अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी की क्रिस्पी और क्रंची कबाब की रेसिपी, जिसे खाने के बाद इसका टेस्ट आपके मुंह से नहीं जाएगा। ये कबाब घर में रखे सामान से झटपट हम बना सकते हैं। खाने में जितना टेस्टी है, बनाने में इतना ही आसान है, तो देर किस बात की। चलिए झटपट ये जायकेदार कबाब बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी के कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पत्ता गोभी, जिसे मैंने पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने पर पत्ता गोभी में जो पानी है वो सब निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कबाब क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कली, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसे इसे दरदरा सा पीस लेना है। 10 मिनट हो गए पत्ता गोभी को रखे हुए और पत्ता गोभी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसे हाथ की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निचोड़ लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आपके कबाब फ्राई करते वक्त सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम रहेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, जिसे हमने मिक्सी में दरदरा सा पीसा था। आप चाहें तो इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है, जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, 1 चम्मच साबुत धनिया, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। चाट मसाला से हमारे कबाब में बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। अब इसमें डालें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च है, इस वजह से मैं आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स हो तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक और 3 चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा। 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे बेसन। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। इन सबको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। तो मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच बेसन डाला है। अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत गीला है तो आप बेसन और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा डो एकदम परफेक्ट है, तो मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके कबाब का शेप दे दूंगी। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे राउंड शेप में बना रही हूँ। मुझे पत्ता गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने ये कबाब बनाया तो ट्रस्ट मी, ये कबाब इतना टेस्टी बना कि मैंने 4 से 5 कबाब खा लिए। खाने में ये इतना टेस्टी बनता है, और सबसे अच्छी बात घर में रखे हुए सामान से बन जाता है ये। तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब इस पे वन साइड अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे फ्लिप कर देंगे, और दूसरे साइड भी अच्छा कलर आए तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ज्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। जब दोनों साइड से अच्छा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बेहतरीन कबाब बनकर तैयार है। ये ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेगा। आप इसे शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, रमज़ान में आप इसे इफ्तारी में बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।